महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन आज भी धोनी जब आईपीएल में येलो जर्सी में उतरते हैं तो उनके फैंस उनको देखने के लिए हमेशा ही बेताब रहते हैं। और धोनी जब मैदान पर होते हैं तो फैंस को उम्मीद होती है कि धोनी ही मैच को अकेले संभाल लेंगे, और धोनी ऐसा करते भी हैं। बहरहाल बात करें धोनी की रिकॉर्ड्स की, तो वह भी इतने शानदार हैं कि विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं शायद ही उन्हें कोई और तोड़ पाए। बहरहाल बात करें महेंद्र सिंह धोनी के एक और रिकॉर्ड की, तो T20 क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में धोनी ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट में बतौर विकेट कीपर के तौर पर 200 कैच लपकने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं, और उनके आसपास कोई अन्य खिलाड़ी दिखाई भी नहीं देता है। महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी 2 कैच लपके, और इसके बाद ही उन्होंने अपना दोहरा शतक बतौर कैच के रूप में पूरा कर लिया। धोनी ने 347 T20 मैचेस खेले हैं जिनमें 200 कैच लपके हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, राइजिंग पुणे जायंट्स के लिए मैचेस खेले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि धोनी के आसपास कोई अन्य खिलाड़ी दिखाई भी नहीं देता। हालांकि भारत के दिनेश कार्तिक ही दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 299 T20 मैच खेले हैं और 182 कैचेस पकड़े हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर कमरान अकमल है। पाकिस्तान के कमरान अकमल ने 282 मैच में 172 कैच किए हैं। क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जो चौथे नंबर पर है। उन्होंने 226 मैच में 166 कैच पकड़े हैं। दिनेश रामदीन जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, उन्होंने 229 मैच में 150 कैच लपके हैं। क्या राय है आपकी, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके साथ पवन तिवारी, देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।